Excuse me. It's your turn. Fast. सुनो, तुम्हें पता ना ये कितना बड़ा शूट है, कितने बड़ी मैगजीन में तुम्हारी फोटो आने वाली है। जी हाँ, मुझे पता है। तो फिर तुम अच्छे अच्छे पोज दो ताकि आगे तुम्हारा सिलेक्शन हो सके। ये देखो तुम्हारी फोटोज। तो पहला राउंड तुम्हारा क्लियर हो चुका है, अब बारी है दूसरे राउंड की। अगर तुम्हारी फोटो उसमें सेलेक्ट हो गई तो तुम्हारी फोटो इंडिया के टॉप मैगजीन के कवर पे आएगी और फिर उसके बाद तुम्हारे पास काम की लाइनें लग जाएगी। तो आप बताइए मुझे सेकंड राउंड के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा तुम्हें अच्छे से पता है? क्या करना होगा, किसको सेलेक्ट करना किसे नहीं, वो मेरे हाथ में है। कौन आ गया? एक काम करो, तुम जाओ जल्दी रूम में जाओ। पर क्यों? सिलेक्ट होना है कि नहीं होना? हाँ होना। जल्दी रूम में जाओ। अरे तुम यहाँ कैसे? मेरा कैमरा ठीक हो गया, मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। अरे यार मतलब मैं यहाँ के लिए मैं हूँ ना। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? यार तुम्हारे पास इतने सारे काम रहते हैं, घर पे खाना बनाना होता है तुम्हें बच्चों को संभालना होता है, इतने सारे काम होते हैं, कैसे मैनेज करोगे तुम? मैं सब मैनेज कर लूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, जब इतना मैनेज करती हूँ तो मैं ये भी कर लूंगी। फिर भी यार इतना काम नहीं होता, पूरा दिन फ्री बैठे रहता हूँ मैं यहाँ पर भी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, बाय बेबी, जाओ घर जाओ, आराम करना। ठीक है, ठीक है, बाय। वो तुम्हारी वाइफ थी क्या? हाँ मेरी वाइफ थी वो। तो तुम उसे अपने साथ में क्यों नहीं रखते हो? उसको अपने साथ रखूंगा तो तुम्हारा काम कौन करेगा? पर मेरा काम हो जाएगा ना, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। तुम बस मेरा काम करो, तुम्हारा काम मैं करूंगा। तुम्हारा काम तो मैं कराती हूँ। बेबी तुम घर नहीं गए अभी तक? इसीलिए तुम मुझे घर नहीं भेज रहे थे ना कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर सको, इसीलिए मुझे अपने साथ भी नहीं रख। बेबी तुम गलत समझ रही हो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। कैसा है कैसा नहीं है ये तो हमें सब पता है। तुम्हारी कितनी लड़कियों ने कम्प्लेन की कि तुम यहाँ पे काम के नाम पर उनके साथ गलत काम करते हो, इसलिए मुझे यहाँ पे मॉडल बन के आना हुआ। मॉडल बनकर? मतलब मॉडल नहीं हो तो आप हो कौन? इंस्पेक्टर रिट्ज धवन। सॉरी मैम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम लोगों को माफ कर दो प्लीज। आ जाइए, लेके जाइए इसे। आ तेरा फोटोशूट तो थाने में कराऊंगा आज। सर माफ कर दो, सर प्लीज माफ कर दो। आ जा। आप एक औरत है और आप समझ सकती है कि लड़कियों को यूज करके काम दिलाना कितना गलत है। सॉरी मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ऐसे काम करते हैं। अब आप ये काम संभालिए और लड़कियों को यूज होने से बचाइए। थैंक यू मैम।